किचन आज हम लोग बनाएंगे सोयाबीन और पपीते की सब्जी। इसके लिए सबसे पहले आप पपीता ले लें और इसका छिलका अच्छे से उतार लें। उसके बाद उसको ग्रेटर की मदद से इस तरह से बारीक आप कीस के तैयार कर लें। साथ में चाहिए हम लोगों का न्यूट्रिला का जो सोया बड़ी आता है, ये देखिए इसको मैंने अच्छे से गर्म पानी में करीब 5 मिनट के लिए उबाल लिया है। उसके बाद पानी को मैंने झड़ा लिया है और इसको अलग रख लिया है, क्योंकि इसमें कोई सूखी लाल मिर्च का यूज़ नहीं हो रही है, सिर्फ हरी मिर्च से बनेगी। तो हरी मिर्च थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है, करीब 20 से 25 आपको हरी मिर्च की आवश्यकता है। साथ में 2 चम्मच जीरे के पाउडर, 4 से 5 तेज पत्ता, नमक, हल्दी पाउडर, मेथी के दाने और सौंफ। साथ में चाहिए आपको घी और सरसों का तेल। चलिए बनाना शुरू करेंगे। मेरी तेल जो है वो गर्म हो गई है। सबसे पहले हम लोग डाल लेंगे इसमें तेज पत्ता और साथ में करीब 1 बड़ा चम्मच और थोड़ा सा और मतलब 1 चम्मच सौंफ। साथ में चाहिए आपको 1/2 टीस्पून मेथी के दाने। जैसे ये अच्छे से थोड़ा सा लाल हो जाए आप इसमें डाल लें जो उबले हुए सोयाबीन है। इसको हम लोग 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से चलाते हुए लाल करके फ्राई कर लेंगे। देखिए ये काफी अच्छे से देखिए लाल लाल होने लग गया है। अब इस स्टेज पे हम लोग इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और करीब 15 से 20 हरी मिर्च और इसको अच्छे से मिला देंगे। और फिर इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे। मिनट हो गए हैं और इसको फ्राई करते हुए अब इसमें हम लोग डाल लेंगे पपीता। जो पपीता हम लोगों ने पीस के रखा हुआ है वो पपीता हम लोग इसमें डाल लेंगे। देखिए पपीते को डालने के बाद हम लोग इसको मिला लेंगे पपीते को। ऊपर नीचे करके पपीते को इस तरह से मिलाएंगे और फिर इसको भी अच्छे से हम लोग फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह से चलाते हुए आपको लगातार इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। घुमा घुमा के फ्राई करिए। अब देखिए जब थोड़ा सा आपका फ्राई हो जाए, करीब मैंने 5-6 मिनट इसको फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो जीरा पाउडर हम लोगों ने रखा हुआ था, करीब 1.5 चम्मच से 2 चम्मच वो जीरा पाउडर। और इसको अच्छे से इसके साथ मिला के फिर 2-3 मिनट के लिए वापस फ्राई करेंगे। करीब 2-3 मिनट मैंने और फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम लोग डाल लेंगे थोड़ा पानी, बहुत थोड़ा, ताकि बस ये जो पपीता है वो नरम पड़ जाए। उसके लिए हमको बस इसको पकाने की आवश्यकता है। इसके लिए हल्का सा पानी डाल के हम लोग अच्छे से इसको मिला लेंगे और फिर इसको ढक के पकाएंगे। यकीन मानिए बच्चे लोग, बहुत से बच्चे होते हैं जो पपीता खाने को बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप इस तरह से बनाइए तो मैं आपको कंफर्म बता रही हूँ, उनको पता भी नहीं चलेगा वो क्या खा रहे हैं और बहुत स्वादिष्ट बनता है करके वो आराम से इसको खा भी लेंगे। अब इसको अब ढक देंगे करीब 15 से 20 मिनट के लिए और
आंच को कर देंगे हम लोग मीडियम पे, ताकि ये अंदर से पूरी तरह से पक जाए। देखिए करीब 15 मिनट हो गए हैं पकाते हुए, अब इसको हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। ये पपीता अच्छे से देखिए नरम पक गया है और इसका जो पानी है वो भी बिल्कुल सूख गया है। लोगों को ये पपीता नरम पकते पकते इसको अच्छे से फ्राई करके पकाना है। अब इस स्टेज पे मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, नमक मिर्ची इस स्टेज पे आप चेक कर लें, और इस स्टेज पे आप करीब 2 से 2.5 चम्मच शक्कर इसमें डालें। थोड़ा सा इसमें मीठा ज्यादा डालेंगे ना तो ये खाने में बहुत स्वादिष्ट बनेगा, क्योंकि मिर्ची काफी मात्रा में है तो ये बहुत ज्यादा स्पाइसी भी है और थोड़ा सा मीठा रहेगा तो इसका स्वाद जो है वो बढ़ जाएगा। इस तरह से आप इसको मसल दें ताकि जो हरी मिर्च है वो सारे अच्छे से इसके अंदर थोड़ जाए। इसको फिर 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे हम लोग, ताकि शक्कर भी अच्छे से मिल जाए और मिर्ची भी अच्छे से इसमें स्मैश हो जाए। इसको इस तरह से लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट फिर फ्राई करेंगे हम लोग। देखिए करीब 4 से 5 मिनट मैंने फिर से इसको फ्राई किया है। देखिए ये अब बिल्कुल बन के तैयार है। अब इसमें हम लोग मिलाएंगे घी और इसको उतारेंगे। इसमें आप मिला लें घी, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में मिलाइएगा और इसको अच्छे से इसमें मिला लें। इसमें अब इसको उतार के हम लोग गर्मा गर्म स्टीम राइस हो, पराठा हो, रोटी हो, आप किसी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बच्चों को आप रोटी के अंदर इसको डाल के रोल बना के दे दीजिए, वो भी अच्छे से चाव से खाते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। लीजिए बन के तैयार है, हम इसको सर्व कर देंगे। लीजिए बन के तैयार है हमारे पपीते और सोयाबीन की सब्जी। आप भी बनाएं और बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो नए विजिटर्स हैं वो हमारे बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। आप बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।